नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, ये डहलिया लगाने के सीजन है और डहलिया आपको पता है कि दो तरह के होते हैं। एक तो बीज से लगाते हैं डहलिया, जिसका पौधा जो होता है थोड़ा छोटा होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं। अगर आपको बड़ा बड़ा फूल चाहिए, बहुत एक्सेलेंट क्वालिटी का, बाई नेम बहुत अच्छा अच्छा वेराइटी का आपका डहलिया चाहिए, तो आपको कटिंग से ग्रो करना पड़ेगा। आप नर्सरी से कटिंग ले आइए, छोटे छोटे थम पॉट में अभी पौधे मिल रहे हैं आपको। नवंबर दिसंबर में जनवरी तक आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका फरवरी एंड से इसका फूल फ्लावरिंग होना शुरू होता है, आपको मई तक इसका फूल मिलेगा। तो आपको देखिए, ये मैंने डहलिया की जो कटिंग है ये मैंने कुछ नर्सरी से लाए थे और ये लगाए करीब 15 दिन पहले, हमने छोटे छोटे कटिंग लगाए थे। ये थोड़े करीब 3 इंच के 4 इंच के करीब बड़े हो गए, ये कटिंग देखिए। और ये जो है हमारे सारे 10 इंच के जो है गमले उसमें लगाए हैं। अगर आपको बड़े बड़े फूल चाहिए, बड़े बड़े पौधे चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा फूल चाहिए तो आपको 10 इंच के गमले में लगाइए। दो बात बताता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा 1 या 2 या 3 फूल चाहिए, आपको कोई कंपटीशन में देना है, कोई फ्लावर शो में देना है, तब आप पौधे को बड़े होने दीजिए, आपको पिंचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चाहिए एक साथ में 20-25 फूल चाहिए गेंदा का, छोटे छोटे फूल चाहिए, तो आप टिप पोर्शन जो है इसको आप कटिंग कर दीजिए, इसकी जो है पिंचिंग कर दीजिए। तब क्या होगा, ये जो ब्रांचेस है साइड से बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, उससे क्या होगा, फूल छोटे आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको बड़े बड़े फूल चाहिए या फिर छोटे फूल चाहिए। छोटे फूल होंगे तो नंबर ज़्यादा होंगे, बड़े फूल होंगे तो नंबर कम होंगे, ये स्वाभाविक बात है। और इस तरह से देखिए, बहुत सारे गमले हमने लगाए हैं ये डहलिया के, करीब हमने 50 गमले हमारे यहाँ पर लगाए हुए हैं और इसमें कम से कम 10 से 12 वैरायटी है। और इसको आपको ध्यान देना है क्या क्या देना है। इसके दो तरह के आप लिक्विड खाद दे सकते हैं, इसके लिए बहुत, ये जो डहलिया जो होता है बहुत हेवी फीडर होता है, बहुत खाना चाहिए, बहुत पानी चाहिए इसको, इसलिए ध्यान में रखना है। धूप भी अच्छी चाहिए इसको, ये 3 बात आपके ध्यान रखें। खाने के लिए आपको सबसे अच्छा है सरसों की खली आपके पास है, ये देखिए हमने 4 दिन भिगोई है सरसों की खली। 4 दिन भिगोने के बाद काफ़ी इसको पतला कीजिए, पतला करने के बाद इसके पहले 1 दिन पहले आपको 2 चीज़ डालना है। एक है सुपर फॉस्फेट, इसमें क्या होता है कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इससे क्या होता है मिट्टी भुरभुरी होती है और इसके जो पौधे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो ये बहुत सस्ता आता है, 10-12 रुपया किलो में आता है, हर नर्सरी में मिल जाता है। ये आप करीब 10 से 20 ग्राम आप 5 लीटर में डाल दीजिए, ये है सुपर फॉस्फेट। और एक चीज़ डालिए आप, ये है DAP के दाने, ये जो है ये 18:46 है इसका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन 18 भाग है और फॉस्फोरस जो है 46 भाग है। बहुत तेज़ी से विकास आता है, ये एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला खाद है। और ये आप डाल दीजिए करीब, आप 10 से 12 ग्राम आप डाल दीजिए 5 लीटर पानी में और इसको भिगो के 1 दिन भिगोना है, क्योंकि ये जो होता है ये घुलने में टाइम लगता है, करीब 24 घंटा टाइम लगता है घुलने के लिए। उसके बाद आपको ये जो लिक्विड बन जाता है 24 घंटे बाद, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको लेकिन अभी डालना नहीं है आपको, इस तरह से आप डाल दीजिए थोड़ा सा, ये देखिए पत्ते में लगना नहीं चाहिए, साइड से आप दे दीजिए। करीब 20 से 25 ml अगर आप ये खाद दे देंगे एक बार 10 दिन में एक बार, तो इसका जो ग्रोथ है मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल जो ग्रोथ आएगा उससे कम से कम भी डबल ग्रोथ आएगा। अगर आपको इससे भी फास्ट चाहिए, आप लेट हो गए हैं ग्रोथ करने में, आपको जो लगाना चाहिए था नवंबर में, आप दिसंबर का एंड में लगा रहे हैं, आपको तेज़ी से विकास चाहिए, तब एक खाद और मैं बताता हूँ कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की जो है ये देखिए मिट्टी की हरिया में हमने बनाया था, इसमें जो लिया था मैंने 100 ग्राम यूरिया लिया था और 200 ग्राम इसमें सरसों की खली दिया था और 300 ग्राम इसमें कच्चा गोबर जो ताज़ा गोबर है वो दिया और इसको हमने 2 लीटर पानी में भिगोया। भिगोने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से है, ये सबसे फास्ट ग्रोथ करने के लिए हर कोई फ्लावर में देखिए, ये जो देखिए इस तरह के जो लिक्विड है इसको आप लीजिए, करीब इसमें 5 लीटर पानी लेके ये 5 लीटर पानी है, उसमें आपको देना है करीब 100 ml, ये देखिए मैं 100 ml का करीब लेता हूँ, करीब 100 ml लेना है, 100 ml लेके इसको डाल दीजिए। ये जो लिक्विड है ये सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला, कोई भी सीजन फ्लावर में अगर आपका ग्रोथ नहीं आ रहा है, देख रहे हैं कि आपका पौधा छोटा ही है, बढ़ ही नहीं रहा आपको लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रोथ चाहिए, तो ये जो है लिक्विड आप डाल दीजिए और देखिए मैजिक देखिए आप, 10 से 12 दिन में देखिए पौधा बिल्कुल खड़ा हो जाएगा आपका और इसका जो ग्रोथ है आपको हैरान करने वाला ग्रोथ है। मैं सारे जो डहलिया आज ये लिक्विड देने वाला हूँ, देने के बाद इसका ग्रोथ में दिखाऊंगा 10 से 15 दिन बाद। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि डहलिया में जो प्रॉब्लम होती है, ये पत्ता मरोड़ की डिजीज आती है या फिर और भी कोई डिजीज है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर आज सामने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पत्ता मरोड़ का डिजीज, ये पत्ता जो नया आ रहा है ये देखिए मरोड़ का आ रहा है, इसे थ्रिप्स माइट्स का अटैक हो जाता है, ये देखिए थ्रिप्स माइट्स का अटैक आ जाता है। तब आपको मैं 2 चीज़ दिखाता हूँ,
एक तो है कि अगर आप थ्रिप्स माइट्स के इसका आटा करते हैं, काका, ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, ये 1 से 2 ml पर लीटर, अभी तो छोटे पौधे हैं इसके लिए 1 ml पर लीटर लेके अगर आप स्प्रे कर देंगे पौधे में इस तरह से, तो ये प्रॉब्लम आपकी मिट जाएगी। पहले पहले ये जो पत्ते मरोड़ गए हैं ये तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन नए जो पत्ते आएंगे, फ्रेश पत्ते आएंगे, तब वो ख़राब नहीं होंगे। और जो होता है पत्ते खाने वाले बहुत आते हैं, जो कैटरपिलर टाइप के होते हैं, मौत होते हैं, ये इसका जो कैटरपिलर होता है ये पत्ते खा जाते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये पत्ता देखिए, ये पत्ता खा गया यहाँ पर, और कोई कोई इंसेक्ट है ये भी देखिए, ये पत्ता खा गया है। इसलिए आपको देना है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमला, ये साइप्रामिथ्रिन और क्लोरोपाइरीफॉस है, ये आप 1 ml पर लीटर लेके आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार स्प्रे कर देंगे। उधर भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पत्ते इधर भी खाए हुए, ये देखिए ये पत्ते खाए हुए हैं। अगर आप ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे तब आपका पत्ता खाएगा नहीं बिल्कुल। और ये देखिए मैं पिंचिंग में दिखाता हूँ, अगर आपके पास पिंचिंग कर देते हैं इस तरह की, अगर आप टॉप में, तो देखिए ये सर नीचे से 4-6 ब्रांचेस आ गए हैं, तब इसमें फूल जो हैं वो छोटे आएंगे, लेकिन आपके जो फूल जो है नंबर में इसका जो संख्या होगी फूल की ज़्यादा होगी। तो ये आप डाल दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इंसेक्टिसाइड तो आपके पास इमिडाक्लोरोपीड होगा, कॉन्फिडेंट नाम से आता है, वो आप दे दीजिए 1 ml पर लीटर, आपका कोई भी पत्ता खाने वाला कोई भी इंसेक्ट आएगा नहीं और आपका पौधा बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से आप केयरिंग कीजिए, ये पौधा बिल्कुल बड़ा होगा, बहुत बड़े बड़े फूल आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।